योगिनी एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम योगिनी एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्णा ने धर्मराज युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी की कथा सुनाई थी। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी का व्रत इस लोक में सुख भोग और अंत में मोक्ष देने वाला माना जाता है। विधि विधान श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। ध्यान लगा कर सुनो हे भक्तों, द्वापर युग की बात। युधिष्ठिर आए एक बार जब श्री कृष्णा के पास, कुशल क्षेम फिर आपस में दोनों ने पूछा है। श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने फिर भक्तों ये कहा है, आषाढ़ मास बड़ा पावन है, श्री कृष्णा लग गया है। आने वाली एकादशी की सुननी मुझे कथा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी का बोलो क्या है नाम। एकादशी व्रत कथा का कर दो कृष्णा आप बखान। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं, जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये भक्त जनों, क्योंकि श्री कृष्णा ही पांडवों का मार्गदर्शन करते थे और जब भी एकादशी या कोई अन्य उत्सव आता तो वो ही पांडवों को व्रत कथा और पूजन का विधि विधान बताते थे। जब आषाढ़ मास लगा तो इस बार भी युधिष्ठिर श्री कृष्णा से कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा जो महात्म जानने के लिए आए। युधिष्ठिर की विनती पर श्री कृष्णा उन्हें आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म यम व्रत कथा सुनाने लगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है, उस एकादशी का तो युधिष्ठिर नाम योगिनी है। अब तुम योगिनी एकादशी कथा सुनो लगा कर ध्यान, कथा को सुनने मात्र से ही मिलेगा पुण्य महान। स्वर्ग लोक में अलकापुरी नामक एक नगर हुआ, उस नगरी का राजा कुबेर जोशु का भक्त हुआ। शिव पूजा में थी कुबेर की बड़ी ही आसक्ति, नित्य नियम से भोलेनाथ की करता था भक्ति। पुष्पोमान सरोवर झील से ही मंगवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये भक्त जनों, श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर से बताया कि
कुबेर नाम का राजा शिव का महान उपासक था। वो नित्य नियम से शिव की पूजा करता था और मानसरोवर झील से पुष्प मंगवाकर नित्य शिवलिंग पर चढ़ाता था। हेममाली नाम का एक यक्ष उस राजा का सेवक था, जो कि पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाकर देता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। हेममाली और विशालाक्षी में बड़ा ही प्रेम था। पुष्प लेने को हेममाली एक दिन जो आया है, उसकी पत्नी विशालाक्षी को सामने पाया है। देख के सुंदर पत्नी को कर्तव्य गया वो भूल, मान सरोवर से लेने आया पूजा के फूल। अपनी पत्नी संग लगा है वो तो रमण करने, पूजन का भी समय हो रहा ना सोचा मन में। प्रातः काल से फिर उसको दोपहर हो गई है, राजा ने सोचा हेममाली क्यों अब तक आया नहीं है। हेममाली पर राजा बड़े क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये भक्त जनों, श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर से कहा कि प्रातः काल पूजा के लिए राजा ने हेममाली को पुष्प लेने के लिए भेजा था, किंतु राह देखते देखते दोपहर का समय हो गया, पर हेममाली पुष्प लेकर नहीं आया तो राजा बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज और कहा कि पता करो हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सैनिक आज्ञा पाकर हेममाली घर आए, पति पत्नी दोनों उनको तो रमण करते पाए। हेममाली को सैनिकों ने आवाज लगाई है, हुआ भयभीत बड़ा ही उसको याद जो आई है। पूजा के लिए पुष्प लेने मैं प्रातः काल आया, दोपहर रमण में व्यर्थ ही समय गवाया। लाए हैं सैनिक पकड़ के उस राजा के सामने, हेममाली तो डर के मारे थर थर लगा कांपने। ऐसा हुआ भयभीत पसीने छूट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जो व्रत करे श्रद्धा से रहे दूर वो दुख दुविधा से, जो व्रत करे श्रद्धा से रहे दूर वो दुख दुविधा से। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जब सैनिक हेममाली के घर से उसे राजा के सामने लाए तो हेममाली को अपनी भूल का एहसास तो पहले से ही हो गया था, इसलिए राजा के सामने आते ही वो बड़ा ही भयभीत हुआ। किंतु उसकी वजह से आज राजा कुबेर शिवलिंग पर पुष्प नहीं चढ़ा पाए, अतः राजा भी बड़े ही क्रोधित हुए और हेममाली को कहते हैं, तुमने अपनी पत्नी के प्रेम में मेरे शिव पूजन को बाधित कर दिया, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में जा गिरे। राजा कुबेर के श्राप देते ही हेममाली नामक यक्ष कोढ़ी होकर पृथ्वी पर आकर गिर गया। राजा कुबेर ने हेममाली को श्राप दे दिया है, कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में वो तो आ गया है। उसकी पत्नी विशालाक्षी जिस कारण बिछुड़ी है,
शिव पूजा में बाधा उत्पन्न कर दी, भूल बड़ी है। पश्चाताप तो अपनी भूल पर उसको बड़ा हुआ, किंतु राजा कुबेर ने उसको फिर भी श्राप दिया। कोढ़ी हो गया जिसका उसके पास नहीं था निदान, मृत्यु लोक में आकर के दुख भोगने लगा महान। सोच तब बुरे कर्मों के फल तो आगे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राजा कुबेर के श्राप के कारण हेममाली कोढ़ी होकर पृथ्वी पर आ गया, किंतु शिव कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और अपने पाप को याद करके सदैव पश्चाताप करता रहता था। किंतु कोढ़ी होने के कारण उसे दुख तो भोगने ही पड़ रहे थे। एक दिन अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए शिव को याद करते करते वो हिमालय की ओर चल पड़ा। हुए हैं कष्ट महान क्योंकि हो गई कोढ़ी काया, एक दिन घूमते घूमते वो तो हिमालय पर आया। ऋषि मारकंडे का उसको फिर तो दिखा है आश्रम, सोचा चलते चलते कर लूं मैं भी ऋषि के दर्शन। ऋषि मारकंडे तो ये भक्तों वयोवृद्ध ऋषि थे, ब्रह्मा जी के समान ही वो प्रतीत हो रहे थे। हेमाली ने सोचा कि यदि दर्शन हो जाए मेरे पाप का प्रायश्चित भी शायद कोई बताए, क्योंकि ऋषि मुनि तो सदा ही परहित चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, श्री कृष्णा ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हेममाली एक दिन भटकते भटकते हिमालय पर्वत पर चला आया, जहां उसे ऋषि मारकंडेय का आश्रम दिखाई दिया। ऋषि मारकंडेय के आश्रम को देख के उसके मन में उम्मीद जगी, सोचा चलो ऋषि मारकंडेय के दर्शन कर लेता हूँ, शायद मेरे पाप कर्मों का प्रायश्चित करने का कोई रास्ता वही बता दे। इतना सोचकर हेममाली आश्रम में आ गया। ऋषि मारकंडे अत्यंत वयोवृद्ध थे, किसी ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। हेममाली उन्हें देखकर धन्य हो गया और उन्हें प्रणाम करके बैठ गया। ऋषि मारकंडेय ने उससे फिर तो पूछा है, कोढ़ी हो गए हेममाली इसका कारण क्या है। हेममाली ने ऋषि मारकंडेय को सब है बताया, मेरे पाप कर्मों ने ही कोढ़ी मुझे बनाया, जिसके कारण पत्नी विशालाक्षी भी बिछुड़ गई और श्राप के कारण काया कोढ़ी मेरी हुई। आप कृपा कर मुझे बताएं इसका कोई निवारण, पाप मुक्त हो जाऊं मैं तो मुनिवर जिसके कारण। एक उपाय फिर तो मुनिवर उसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से रहे दूर वो दुख दुविधा।
प्रिय भक्त जनों, इसके पश्चात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि ऋषि मार्कंडेय को हेममाली की हालत पर तरस आ जाता है और वो हेममाली को उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे हेममाली, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो तो तुम्हें सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी काया कंचन के समान हो जाएगी तथा तुम फिर से यक्ष योनि को प्राप्त करके स्वर्ग लोक जाकर अपनी पत्नी विशालाक्षी से मिल सकोगे। इतना सुनकर हेममाली कहने लगे, हे ऋषिवर, आप धन्य हैं, मैं पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करूंगा और इसके पश्चात हेममाली ऋषि मार्कंडेय को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ऋषि मार्कंडेय ने उसको तो उपाय बताया है, हेममाली ने उनका बड़ा आभार जताया है। योगिनी एकादशी व्रत फिर तो उसने किया है, श्री विष्णु भगवान की उस पर ऐसी हुई दया है। कोढ़ी काया थी उसकी कंचन सी बनाई है और यक्ष की योनि भी फिर उसने पाई है। स्वर्ग में आ गया फिर से पत्नी विशालाक्षी के पास, पति विरह के कारण जो हो गई थी बड़ी उदास। योगिनी एकादशी व्रत फल ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्णा कथा के अंत में बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा है योगिनी एकादशी का व्रत जिसकी कृपा से हेममाली की कोढ़ी काया भी कंचन जैसी हो गई और उसने फिर से यक्ष योनि को प्राप्त कर लिया तथा अपनी पत्नी के पास वापस स्वर्ग लौट गया। कहते हैं योगिनी एकादशी व्रत का फल 88,000 ब्राह्मण को भोजन करवाने के समान होता है। कथा सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का आभार प्रकट किया और कहा कि हे मधुसूदन, हम भी पूरे श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी की कथा सुनाई, पांडवों ने किया व्रत योगिनी एकादशी जब आई, जिससे श्री हरि विष्णु उन पर बड़े हुए प्रसन्न, श्री कृष्ण के रूप में स्वयं ही करते मार्गदर्शन। जो कथा द्वापर युग की श्री कृष्णा ने है सुनाई, डीएस पाल ने श्रद्धा पूर्वक वही है दोहराई। हंस राज रलहन भी कथा को श्रद्धा भाव से सुनते, फौज सुरेश पे श्री हरि विष्णु बड़ी कृपा करते। पुण्य बड़ा ही सुनने वाले भक्त भी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके व्रत से पाप नष्ट सारे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।